जहां एक ओर मोदी सरकार स्वच्छता अभियान को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत कई संस्थाएं भी इस काम में आगे आई हैं। इसी के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर के सटे दुधवा टाइगर रिजर्व में स्वच्छता अभियान के तहत एक कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर बाहर से बच्चों, पर्यटक और काम कर रहे संस्था के लोगों द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। आपको बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी जिले का प्रचलित उद्यान है, जहां पर दिल्ली नोएडा से आए हुए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था के द्वारा संस्थान के नितिन शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन दुधवा टाइगर रिजर्व में किया गया, जिसमें वहां पर मौजूद पर्यटकों और बाहर से आए हुए बच्चों, गाइड और संस्था के लोगों द्वारा दुधवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए शपथ भी दिलाई गई और स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की जानकारियों को भी बताया गया और साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत चल रहे कार्यक्रम को और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए दुधवा से सटे मोगली हाउस में स्वच्छता से संबंधित कुछ टेलीफिल्में भी दिखाई गई, जिसमें सभी धर्मों के तीर्थ स्थल को दिखाया गया और वहां पे होने वाली गंदगी को भी दूर करने की बात कही। इसके बाद संस्था के लोगों के द्वारा स्वच्छता से संबंधित वहां मौजूद गाइडों को, जो पर्यटकों को वन्य जीव के दीदार करवाते हैं, उन्हें जानकारियां दी गई। साथ ही रोटरी क्लब पलिया ने एक एक बैग को गाइडों को देने की बात कही। संस्था के लोगों के द्वारा बताया गया कि उन्होंने अभी तक कई शहरों में अपना कार्यक्रम लगातार करवाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से वीके त्रिवेदी की रिपोर्ट। मिशन पूरा करने का मतलब यह नहीं कि स्वच्छता अभियान खत्म हो जाएगा। मिशन पूरा करने का मतलब यह है कि एक एक आदमी अवेयर होगा स्वच्छता के लिए। 2019 के बाद किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि स्वच्छता के लिए हमें क्या करना है। आज जैसे हम स्वच्छता के लिए बैठ के बात कर रहे हैं, बात नहीं करना है तब काम करना है और स्वच्छ भारत दिखना चाहिए। देश विदेश के जितने भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं, प्लस स्कूल के छात्र लोग और जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पर्यटन से जुड़े हुए, उनमें स्वच्छता के प्रति एक अवेयरनेस की भावना लाएं कि हम ना गंदगी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। तो इस कार्यक्रम के तहत हम पूरे 36 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 890 इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें स्कूली छात्रों को हम टारगेट करते हैं और पर्यटकों को और इसके साथ साथ स्टेक होल्डर्स को। ये हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में, और इस तरह के हमारे 890 प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में इस समय चल रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ आपने कार्यक्रम किए? उत्तर प्रदेश में करीब हमने 28 जगह पे प्रोग्राम किए हैं, वृंदावन, मथुरा, आगरा, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट और अभी आपके यहाँ दुधवा पला इसमें भी कर रहे हैं।